यह चलते कहते थे कि ब्याह करने से पहले अपना पैर पर खड़ा हो जाओ। दिखाई नहीं दे रहा है बाबूजी, अपने पैर पर तो खड़ा है। साला, हमरा कहे के मतलब कुछ कमाने धमाने लगता था, ब्याह करा देते, लेकिन ना गान में चुलबुली काट रहा था। गान में ना बाबूजी, लान में काट रहा था। अरे साला, बाप के साथ ऐसी बात करेगा रे, तेरा सास के चुम्मा लू। साला ब्याहो कर दिए हैं तैयो कमाने धमाने नहीं जाता है, भर दिन मौगी में घुसल जाता है। बाबूजी, मौगी में घुसल नहीं रहते हैं, मौगी में घुसले रहते हैं। रे तोरा मौगी के मायके, गान में तनको शर्म उरम नहीं लगता है? साला ससुराल जा रहा है, गोरी में तेल भराने के लिए पैसा तक नहीं है। साला की सोचेगा तोर ससुराल वाला रे कि साला दहेजुआ गोरी में एक ऐसा के तेल भराने के लिए पैसा नहीं है। तो इतना ही टेंशन हो तो लावा पैसा तेल भरा ले छी। हम कहां से दियो पैसा? आ कमाते हैं से? कमाते हैं तो अपना माल ला ना। माल ला? हां तोर माल ला। अच्छा हां तो कमो अपना माल ला। मतलब कनिया ला? हम कला कमाइयो अपन कनिया ला। हमर कनिया के बाबूजी तोरा दहेज में 2.5 लाख रुपया देलको उलावा। अरे बाप रे बाप, अखिया पिया पढ़ा लिखा का ई गधा सन के क देलियो, ओका खर्चा कौन देते? बोलना रे, ओका खर्चा कौन देता है? उ दहेज वाला 2.5 लाख रुपया हमर, आई गोरी माल तोहर, मतलब कि कनिया गोरी तोहर। हां ठीक है, ढगला गोर दुखा के अकेले चलबे छ। अरे दोस्त, तोर पुरनकी माल के न भतार आ रहा है। अरे साला के की मेहमान जी, गोरी चोरे के बदला गोरी यहीं पे चरल है। औ तन का तेल खत्म हो गया है, तमूत के भर लेते। अब मेहमान जी, जब तेल भरवाने का अवकाश नहीं रहता है तो कहला दहेज में गोरी ले लेते हैं। आ सुने थे कि दहेज में अपाची मांगे थे, स्प्लेंडर संभलिए नहीं रहा है तो अपाची कैसे संभालते। चलिए आदि, हम लफुआ तफुआ से बात नहीं करते हैं। ए मर्दे मर्द, रुकिए तो, लफुआ किसको बोले हो? आपको बोले और किसको बोलेंगे? हमारा आप गांव के दामाद है, इसीलिए छोड़ रहे थे, मार के मुंह फाड़ देते। आप भी हमारे ससुराल के आदमी है, इसीलिए छोड़ रहे हैं? नहीं तो कथी कर लेते। अरे बहुत कुछ कर लेते। बोलिए ना, कथी कर लेते? अरे बहुत कुछ कर लेते। ए मर्दे, बोलिए ना, कथी कर लेते? गान मार लेते। चला बाबूजी, इस तरह ससुराल में आए हैं इसीलिए छोड़ दिया है, ऊपर से हमारे माल के फतारो है ना, बांस कर देते बांस। अच्छा दोस्त छोड़, चल घरे। ई कथी करने लगा तू मोबाइल में? अरे दोस्त, फेस्टिवल का समय आ गया है तो अपने शॉपिंग, ट्रेवलिंग और फेस्टिवल के प्लान में आप गेमिंग का भी प्लान जोड़ लो, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा गेमिंग ऐप MPL लेके आया है। गेमिंग का सबसे बड़ा फेस्टिवल MPL दिवाली लखपति पार्टी, जो चलने वाला है पूरा एक महीना, 29 सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक। इस दिवाली लखपति पार्टी में खेलो अपने फेवरेट गेम लाइक कॉल ब्रेक, रमी, लूडो, स्नेक एंड लैडर्स और जीतो लाखों का इनाम। कॉन्टेस्ट इतना बड़ा है कि MPL बनाएगा 10,000 विनर हर दिन, नहीं हर घंटे, और साथ ही 500 लोग बनेंगे लखपति और 40 करोड़ तक का है विनिंग गारंटेड। इस पार्टी में ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, ये तो कुछ भी नहीं है। और सुनो, MPL लेके आया है ब्रांड न्यू फीचर ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, वो है लॉस प्रोटेक्शन। दोस्त लॉस प्रोटेक्ट क्या है? अरे डिपॉजिट करो मिनिमम 100 रुपया और पहले 10 गेम पे पाओ कंप्लीट लॉस प्रोटेक्शन। अरे जो हारोगे वो भी वापस पाओगे, तो यह है ना कमाल का ऑफर। तो डाउनलोड करो MPL डिस्क्रिप्शन में मेरे दिए हुए लिंक से और यूज करो मेरा प्रोमो कोड BY20 और खेलो बेफिकर, क्योंकि प्रोटेक्ट है सिर्फ इधर। ऑफर का बरसात हो रहा है इस दिवाली लखपति पार्टी में, रमी में पाओगे फर्स्ट डिपॉजिट पर 200% का बोनस, 20,000 कैश तक। तो सोच क्या रहा है, किस बात का कर रहा है इंतजार? हमारे तो पार्टी शुरू हो गया, कब कर रहा है हमको ज्वाइन? तो डाउनलोड करो MPL को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से और यूज करो मेरा प्रोमो कोड BY20 और पाओ 20,000 तक का कैश रिवॉर्ड, सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रोमो कोड यूज करने पर ही। तो खेलो यही, क्योंकि MPL लखपति पार्टी में इनाम है कई। अरे साला के, अरे तोर ससुरबा तो घर के अलास्टर प्लास्टर झलास्टर करवा रहा है, और साला हमारा दहेज गिनने समय बोल रहा था कि पैसे ना है, पैसे ना है। इधर सुन, जो तोरा शादी में सोना के चैन देवे के सकार ले था ना, आज लाइए लेना था। हाँ बाबूजी, आज ले लेंगे। चल। इन्हें चंपा के फोन उन्हें लो कि ना? कहाँ का लख इन्हें फोन उन्हें हमारा चंपा? हम रूनो के लख हो। प्रणाम संधि साहेब। प्रणाम प्रणाम संधि साहेब। आओ आओ, बैठो 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 बैठो। उम्र कहाँ रह गए सटाए वाला। एक बार हमारा मौका देख देख, हम फार का छुआ दे। बउआ तनी मेहमान जी सल की ना, नाश्ता के व्यवस्था तनी करा।
साहब संदीप साहब और सब बताओ। अरे और सब सब ठीक संदीप साहब। लागल था ना तनका लागल। जीजा जी मिठाई करने रखे हुए हैं तो लाइए ना, नाश्ता में रखना है। मिठाई? हाँ। मिठाई तो नहीं लाए हैं। नहीं लाए हैं? ओह अब तक खाली दाल बूटे बिस्कुट खाना होगा। हम बाबूजी से कह रहे थे कि जीजा लाला निठल्ला आदमी कहाँ से मिठाई उठा लेके आएंगे, आ रहे हैं नाश्ता लेके। कि संजय साहब मिठाई उठाई न लेकर आई है की? अरे संजय साहब हमार लाल की हमार बेटवा ले ले लेके होत मिठाई आ की रे न ले है की? हां हम तो लेवे न करत रहिए, तू ही ना लेवे देलु रे। अच्छा कोई बात ना संधि साहब, अगला बार आई ना तो छेना वाला मिठाई लेके आई। जी जी जरूर संधि साहब, आ खाम छेना वाला मिठाई खूब हिला। मजा कहनी आके उम्र कहां रह गेला भिलावे वाला। लीजिए पापा जी, लीजिए बाबू, लीजिए जिया जी खा लीजिए। हम नहीं खाएंगे। क्या हुआ जिया जी, कहे नहीं खाइएगा, खा लीजिए। अरे हम कह दिए नहीं खाएंगे। अरे हम इधर के दमाद है कि कदी है, तन कोई ज्यादा नहीं है। ऐसा रुखल सुगल नाश्ता नया दमाद को करा देता है। ऐसा रुखल सुगल नाश्ता तो हमारे कुत्तो नहीं करता है, हम करेंगे वो ससुराल में आके। कितना अच्छा नाश्ता है, 3 रुपया वाला बिस्कुट, 2 रुपया वाला दाल बूटे, नाश्ता में क्या दिक्कत है? अरे नाश्ता में मिठाई नहीं है तो मिठाई बाप के लौड़ा लाने लेके आए। अच्छा माने कि हम मिठाई लेके आएंगे तब आप लोग खिलाइएगा ना। बाबूजी चलिए हम गए, एक क्षण नहीं रुकना है, ये घर में नया का दामाद की कोई इज्जत नहीं है, चलिए। अरे रुकना बेटा, दू को बिस्कुट बचल है मार ले छी। चल बेटा। असम साहब कहला बिगड़ गए हैं? अरे कहाँ हम बिगड़ गए हैं, बिगड़ तो आपका दामाद गया है। हम तो एकदम खुश है, बस हमको एक बार समझनी से दवा दीजिए। पानी हाथ धोना है, पानी पीना है, गला फटल जाएगा। बाबूजी हाथ घर धोइएगा, चलिए यहाँ से। दामाद जी इतना छोटा बात के लिए कहे ना बिगड़ गए हैं? ये कोई छोट बात है, घर के नया दामाद पहली बार ससुराल आया, उसको नाश्ता में मिठाइयों नहीं मिला, ये कोई छोट बात है? जीजा जी यो छोट बात नहीं है कि घर के नया मेहमान पहली बार ससुराल आया और मिठाइयों नहीं लाया। मतलब कि हम मिठाई लाएंगे तो आप लोग खिलाइएगा ना। दामाद जी अहाँ की मिठाई खाई से मतलब होगा? रुको अभी मंगवा दे छी, उसे शांत रखू। देखो जो आते हैं दुकान से मिठाई खरीद के ले आओ जा। आप हमारे मिठाई उठाई से गुस्सा शांत नहीं होगा तो कथी से हो? शादी में जो एक बार सोना के चैन कबूले थे वो हमको दीजिए तब हमारा गुस्सा शांत होगा। दामाद जी शादी वाला कर्जा तक सदबे नहीं किया है, पैसा का बड़ा दिक्कत चल रहा है, आ कबूले है तो देवे ना करेंगे। अच्छा माने कि हमारे चैन देने के लिए पैसा नहीं है, घर में अलास्टर प्लास्टर कराने के लिए पैसा है, नया नया सोफा लगवाने के लिए पैसा है। समधी साहब वही कुछ समझाइए ना। अरे हम कथी समझाऊ समधी साहब, यहाँ के ससुर दामाद वाला मामला है, हमारा खाली बस एक तो समधी में की भेल दामाद जी कल्ला बिगड़ गेली हो। आ दामाद जी सोना के चैन मांग रहे हैं, कहाँ से देंगे अखनी? हाँ दामाद जी अभी पैसा कौड़ी के बहुत दिक्कत चलिए। हम उसे कुछ ना जाने छी, हमरा चाही तो चाही। समधिनी जी पूरा हमरा ब्रिज देखेबे करे छी तो मुंह कला झपले हती। लीजिए जी जी मिठाई खा लीजिए। अरे हटाइए मिठाई उठाई, हम नहीं खाएंगे, जब तक हमको सोना का चैन नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं खाएंगे। दामाद जी जिद ना करू, हम दे देम। ना ना हमरा अभी चाही तो चाही। दामाद जी जिद ना करू, बात के समझू। समधिने जी कथी खाइ छी कि दिन पर दिन हॉट एंड सेक्सी होल जाइ छी। बाबूजी आप बीच में बोल के मुद्दा नहीं बिगाड़िए। सॉरी बेटा सॉरी, कंटिन्यू। चंपा के पापा दामाद जी नो मानै छी तो की करबै, अपने वाला चेक दे दियो। अच्छा ठीक है तो। ना ना हम पूरा नुरन चैन नहीं लेंगे। आ दामाद जी 2 भर के है तैयो हम पूरा नहीं लेंगे। ये माधुचर बेटा ले ले, 2 भर के है, बड़ बुजुर्ग के आशीर्वाद समझ कर ले ले। समझे साहब ये वाला कै भर के हवा? यो 2 भर के है। अरे बाप रे बड़ा अच्छा लगैया समझी साहब, तनका लाभ तो हम अपना गर्दन में डाल के देखे छी कैसे लगैया। ना ना समझी साहब अहाँ रह दू, अहाँ के गर्दन को अच्छा ना लागत, एकदम कुत्ता के पटे जैसे लागत। तो दामाद जी अब खुश होती ना? हाँ सासू माँ बहुत खुश होती। तो अब मिठाई खा लू? जी सासू माँ। सर जी लाइए मिठाई। मिठाई मिठाई हम तो खा गए जीजा जी, हमको लगा आप नहीं खाइएगा, ये ले हम ही मिठाई खा गए जीजा जी। अच्छा जी कोई बात ना, अब छोटे सारे खाइए लिए तो क्या हो गया,
ठीक है तो समझी साहब तो चलाई छी हम सब आ समझी साहब एता जल्दी चल जाएं खाना उना खा के जाएं ना ना खाना पीना के चक्कर में ना रखू जाए दियो अच्छा ठीक है समझी साहब तो और कुछ और कुछ तो ना बस ठीक है समझी साहब आराम से जाएं अच्छा ठीक है प्रणाम प्रणाम अपने के नाम भूल गेलिया आराम पे ल अच्छा अच्छा प्रणाम समधिनी जी प्रणाम 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 उठा ले जाऊंगा बाबूजी हाँ बेटा चल चल समधिनी जी संभाल के रख ले बुलाओ जी समधी साहब बाय 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 ठीक है चलो जी तो ठीक ठीक अरे तोर सास ससुर पैसा दिल को सलामी जाओ बाबू हम तो गोरे लागे के भूल गेलिए तो कैसे देतौ साला तो तेल कहाँ से भर बाबू ने जो साला गोर लाग के सलामी ले कहा जो रुक बाबू ने कहा प्रणाम सासू मां प्रणाम ससुर जी खुश रहो खुश रहो खुश रहो की भेल ने मान जी कुछ ना ठीक है बाहर जाओ बाबू जी इंतजार करै छन आ कुछ भेल त बताओ आ ससुर जी सलामी ना देबै ले ले धरू धरू जाओ प्रणाम ससुर जी प्रणाम ससुर हे भगवान कैसन लिज्जर घरे हमर बेटी के बियाह हो गेलै की करबै नसीब नसीब के बात है चलो बाबू अरे कर पे दिल कोरी 50 रुपया दिल गया आधा लीटर तेल हो जते ने और क्या